तो आई एम श्योर कि आप में से कई सारे लोग लाइव लोकेशन शेयर करते होंगे या फिर रियल टाइम लोकेशन शेयर करते होंगे, या फिर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में से कभी ना कभी किसी को इसकी ज़रूरत पड़ी होगी, या फिर फ्यूचर में कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की। तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आप लाइव लोकेशन को कैसे शेयर कर सकते हो गूगल मैप्स का यूज़ करते हुए। तो मैं हूँ शुभम एंड वेलकम टू लॉजिकल टेक्स्टर। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो काफ़ी लोगों को काफ़ी हद तक ये चीज़ पता होगी ऑलरेडी, लेकिन जिसको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो है काफ़ी छोटा सा इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो है। नो डाउट ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी लाइव लोकेशन को शेयर करने के लिए, अपनी रियल टाइम लोकेशन को शेयर करने के लिए किसी मैसेजिंग सर्विस का यूज़ करते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं अपनी लाइव लोकेशन को शेयर करने के लिए, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा भी है। और इसके अलावा अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे बाकी मैसेजिंग सर्विस ज़रूर यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि स्नैपचैट, टेलीग्राम, मैसेंजर वगैरह। तो ये अलग अलग जितने भी ऐप्स हैं ये सारे के सारे लाइव लोकेशन शेयर करने को सपोर्ट करते हैं। और इन अलग अलग ऐप्स में एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि सारे ऐप्स जो हैं वो गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं लाइव लोकेशन को शेयर करने के लिए। लेकिन कई बार जब आप लाइव लोकेशन या फिर रियल टाइम लोकेशन को शेयर करते हो किसी और मैसेजिंग ऐप का यूज़ करते हुए, तो इसकी एक्यूरेसी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो ऐप कितने अच्छे से इंटीग्रेट हो रखा है गूगल मैप्स को यूज़ करने के लिए। बेसिकली दोनों ऐप्स का इंटीग्रेशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन आप इसको कह सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा है, उस पर डिपेंड करती है इसकी एक्यूरेसी। लेकिन यहाँ पे इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप किसी और मैसेजिंग ऐप के थ्रू गूगल मैप्स को एक्सेस करने के बजाय डायरेक्ट गूगल मैप से अपनी लोकेशन को शेयर करो, वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। सुनने में थोड़ा सा नॉर्मल लग सकता है कि आप किसी भी ऐप का यूज़ करते हुए गूगल मैप्स को यूज़ करो या फिर डायरेक्ट गूगल मैप्स को यूज़ करो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक्चुअल में इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एक्यूरेसी पे। तो आप जैसे ही गूगल मैप्स ओपन करोगे अपनी लोकेशन को ऑन करने के बाद, तो आपको इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। बहुत ही यूजुअल सा फैमिलियर सा इंटरफेस होगा आपके लिए। तो आपको यहाँ पे लोकेशन वाले बटन पे टैप कर देना है, या फिर आपकी लोकेशन अगर ऑन होगी तो ये पहले से ही आपकी लोकेशन यहाँ पे शो कर देगा, और आपकी लोकेशन जो है वो ब्लू डॉट से यहाँ पे शो हो रही होगी। तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये शो कर देगा कि आपकी जो लोकेशन की एक्यूरेसी है वो हाई है या फिर लो है या फिर मीडियम है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो इसको एज इट इज़ रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो बड़े इजीली। उसे यूज़ करने के बाद आप सीधे यहाँ पे शेयर लोकेशन में टैप कर सकते हो। शेयर लोकेशन में जैसे ही आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने को क्लियरली मिल जाता है कि आप यहाँ पे टाइम लिमिट सेट कर सकते हो, यानी कि आप खुद सेट कर सकते हो कि आप कितने टाइम तक किसी को अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते हो, कितने टाइम तक उसको आप शो कराना चाहते हो कि आप कौन सी जगह पे हो। तो यहाँ पे आपको मिनिमम टू मिनिमम 15 मिनट से लेके पूरे एक दिन का यानी कि 24 आवर्स तक का यहाँ पे ड्यूरेशन मिल जाता है, और आप इसको किसी भी टाइम तक यूज़ कर सकते हो। इसके बाद गूगल आपके कॉन्टैक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सजेस्ट कर देगा कि आप किस किस को यहाँ पे लोकेशन शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के यहाँ पे नाम आ जाएंगे, आपके फैमिली के या फिर आपके फ्रेंड्स के नाम आ जाएंगे यहाँ पे, और इनको आप लोकेशन शेयर कर सकते हो। और या तो फिर आप किसी नॉर्मल मैसेजिंग ऐप का यूज़ करते हुए लोकेशन को शेयर कर सकते हो, जैसे कि आप यूजुअली करते हो। अब कई सारे लोगों को लगेगा कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर सा ऑप्शन है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप गूगल मैप्स को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हुए अगर शेयर कर रहे हो तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। सेकेंड ऑप्शन जो यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिल जाता है वो है आप बिल्कुल ही अनलिमिटेड टाइम के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हो, जब तक आप खुद इसको मैन्युअली ऑफ ना कर दो। और ये ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाता है, लेकिन आपको बस इसमें एक ड्रॉबैक मिलता है कि आप इसको सिर्फ अपने गूगल कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कर सकते हो, किसी मैसेजिंग ऐप का यूज़ यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको गूगल मैप्स का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपके गूगल कॉन्टैक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोगों के नाम आएंगे, आपके फैमिली या फ्रेंड्स के नाम आएंगे जिनको आप शेयर कर सकते हो। तो अगर आप इस चीज़ को यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऑप्शन मिलेगा गूगल कॉन्टैक्ट्स के अकॉर्डिंग कि आप किस किस को ये शेयर कर सकते हो, किसी और मैसेजिंग ऐप का यूज़ यहाँ पे आपको करने को नहीं मिलेगा ऑप्शन में। अब इसके बाद जो इंटरफेस आपके सामने आएगा यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो आप सामने वाले पर्सन की भी रिक्वेस्ट कर सकते हो लाइव लोकेशन की, वो भी आपके साथ लाइव लोकेशन शेयर करें, और अगर आपको ये नहीं करनी है तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हो। और यहाँ पे क्लियरली आपको स्टॉप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपने ये सेलेक्ट कर रखा है ऑप्शन कि आप इनडेफिनेट टाइम के लिए लोकेशन शेयर कर रहे हो, तो आपको ये मैनुअली जाके ऑफ करनी होगी। अगर आप इसको मैनुअली ऑफ नहीं करोगे तो ये कंटिन्यूसली लोकेशन शेयर करता रहेगा। तो आप इसको स्टॉप पे टैप कर सकते हो अपनी लोकेशन अगर आपको शेयर करनी बंद करनी है किसी भी टाइम,
और नहीं तो आप इसको कंटिन्यूसली शेयर कर सकते हो अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन को यहाँ पे लोकेशन शेयर करें जो कि आपके गूगल कॉन्टैक्ट्स में शो नहीं कर रहा है, आपको किसी मैसेजिंग ऐप के थ्रू ही उसे कॉन्टैक्ट करना है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे गूगल मैप्स का यूज़ करते हुए उसे लोकेशन शेयर करें उस ऐप में, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपकी लोकेशन एक्यूरेसी को देखते हुए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि आप किसी और मैसेजिंग ऐप का यूज़ करते हुए गूगल मैप्स को यूज़ करो या फिर आप डायरेक्ट गूगल मैप्स को यूज़ करो तो आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऑब्वियसली आप गूगल मैप्स को जो डायरेक्ट यूज़ करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी लोकेशन की एक्यूरेसी के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस तरीके के और सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।